हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये नेम ऑफ स्टूडेंट और यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये कलर्स हमने लगा दिए हैं और यहां पर देख सकते हैं कहीं कहीं सब्जेक्ट के मार्क्स जो है डाले नहीं गए हैं। अब ये डाले नहीं गए हैं, बच्चे भाग गए हैं। जैसे मान लीजिए ये हिंदी में एग्जाम दिए हैं सब बराबर एकदम, तो देख रहे हैं कि सारा हिंदी में प्रेजेंट है सब। यहाँ पर क्या हुआ है कि इंग्लिश में एक ठो फेल हो गया लड़का, ये देखिए ये फेल है तो ये भाग गया है, ठीक है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जब पढ़ाई होती थी तो वहां पर बच्चे कूद के भाग जाते थे। तो यहाँ पर देखिए ये भाग गया है, ये भाग गया है, ये तीनों जो है भाग गए हैं सब एक साथ। इसके बाद मैथ में देखिए, मैथ में नहीं भागे हैं सब, मैथ में ये वो चार नंबर पाया है और बाकी ये फेल है, ये फेल है, लेकिन भागे नहीं है सब। बाकी कंप्यूटर में भाग गए हैं सब, एक बच्चा दो बच्चा भाग गया है। तो इन लोगों को अब हमें एब्सेंट करना है। तो एब्सेंट कैसे किया जाए, तो पूरे डेटा को आपको कर लेना है सेलेक्ट। इस तरीके से पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल जी प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल जी जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा स्पेशल, तो आपको स्पेशल पे जाना है और ब्लैंक्स पे क्लिक करना है, ब्लैंक्स। तो जैसे ही ब्लैंक पे क्लिक करके ओके करेंगे तो सारे ब्लैंक सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अब यहां पर आकर के आपको टाइप करना है ए बी एस ई एन टी, यानी एब्सेंट टाइप करना है और आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एंटर। जैसे ही कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो जो जो ब्लैंक सेल होगी वहां पर एब्सेंट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं एब्सेंट ऑटोमेटिकली फिल हो गया। इसके जगह अगर इनका एप्लीकेशन अगर कोई और वजह से ही एब्सेंट होते हैं तो इनका एल दिखाना है, यानी एप्लीकेशन दिखाना है, तो आप एल भी लिख सकते हैं। जैसे तरीके से आप ये कर सकते हैं। आई होप कि बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।